यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज और देव समाज के लिए जो कम्पीट करना चाहते हैं कैंडिडेट बीएड एडमिशन के लिए, यहाँ शब्द कम्पीट करना जायज़ है क्योंकि लगभग 9 गुना 8 गुना एक सीट के पीछे 9 कैंडिडेट आपको मिलेंगे। तो ये स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, लगभग सारी सेम है जो पंजाब की है। जनरल अवेयरनेस का फ़र्क क्या है, लगभग मैंने इसलिए शब्द यूज़ किया है, यहाँ वहाँ 30 क्वेश्चन है, यहाँ 20 होंगे, तो 20 मार्क्स है। टीचिंग पोटेंशियल के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी के 20 होंगे, वहाँ 30 होंगे पंजाब में। तो ये सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। आगे सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं। पंजाबी कंपलसरी फॉर ऑल दो कैंडिडेट हु हैव स्टडी पंजाबी एट मैट्रिकुलेशन, ऐसे ही पंजाब में है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो मार्क्स हैं 20 होंगे और पंजाबी या हिंदी के, हिंदी वो ऑप्ट कर सकते हैं जिन्होंने पंजाबी मैट्रिकुलेशन 10वीं तक नहीं पढ़ी हुई है। पेपर शेल कंसिस्ट 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहाँ 150 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर 100 होंगे, टोटल 100 मार्क्स होंगे। 1 से 60 तक इंग्लिश हिंदी पंजाबी मीडियम ओनली होगा। तो ये तीनों लैंग्वेज में है, वहाँ सिर्फ 2 लैंग्वेज है, इंग्लिश और पंजाबी। यहाँ पर 61 से 80 तक कंपलसरी होंगे, ओनली इंग्लिश पेपर। ओके, तो 100 वाले नहीं हैं यहाँ पर बताए गए, वो लैंग्वेज में होंगे। इसके अलावा ये जो सिलेबस है देख लेना चाहिए। फर्स्ट है, ये थोड़ा बड़ा कर दिया है, शायद पढ़ा जाए, कैमरे की सेटिंग चेंज है शायद। अच्छा, क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू वेरियस डायमेंशन ऑफ जनरल अवेयरनेस, जैसे एजुकेशन, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन साइंस में से आते हैं लगभग, 2-3-4 आ जाते हैं सोशल साइंस में से, 2 लैंग्वेज में से, लिटरेचर में से 1-2, आर्ट एंड कल्चर में से 1-2, स्पोर्ट्स एंड गेम्स 1-2, करंट इवेंट से 2, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन 100% 20 एजुकेशन पॉलिसी से, या हु इज़ हु से 2 क्वेश्चन आते हैं, ये 20 क्वेश्चन बनेंगे आपके। और ऐसे ही टीचिंग पोटेंशियल के हैं, नॉलेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन, थोड़ा छोटा कर लें ये, इंक्लूडिंग इन नॉन फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन, ऑडियो विजुअल एड एंड मास मीडिया एट्सेट्रा, वैल्यूज एज एनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जनरल अवेयरनेस ऑफ नेशनल लेवल एजुकेशनल एजेंसीज जैसे UGC है, NCT है, NUPA है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल पोलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल एजेंडाज, इस पर क्वेश्चन नहीं आते। एप्टीट्यूड फॉर टीचर टीचिंग प्रोफेशन ज़्यादा आएंगे, टीचर पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स एंड देयर एडजस्टमेंट, क्लासरूम प्रॉब्लम ऑफ लर्नर्स एंड देयर सोल्यूशन, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिलेशन विद स्टूडेंट्स कोलीग्स, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के हेड के साथ, स्टूडेंट के साथ टीचर को कैसे रिलेशन रखने हैं। एग्जामिनेशन एवेल्यूशन असेसमेंट, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट पर ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं। लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करना है, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं इस पर। स्कूल एंड सोसाइटी, 1 या 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी जो नंबर सीज है, क्लासिफिकेशन एनालॉजी एनोनिमस ओपोजिट्स कोड्स एंड डी कोड्स, यहाँ सिलेबस कम है उसमें, जो पंजाब वाले में थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस है, और नहीं है अभी, है सीइंग रिलेशनशिप है, डिडिक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग है, इंटरप्रेशन ऑफ ग्राफ एंड फिगर है, एवेल्यूएशन एंड इन्फ्रेंसेज है, ब्लड रिलेशनशिप है, बिल्कुल सेम है। जो लैंग्वेज है इंग्लिश हिंदी पंजाबी जो भी आप चूज़ करोगे, ग्रामर होगी, ईडियम्स एंड वोकेबलरीज, करेक्शंस एंड पंक्चुएशन, रिटन कॉम्प्रीहेंशन, तो पंजाबी का भी ऐसा सेम ही लिखा है, ग्रामर ईडियम्स वोकेबलरी करेक्शंस एंड पंक्चुएशंस रिटन कॉम्प्रीहेंशन। तो एग्ज़ामिनेशन रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, ये नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा, इसमें इतना ही काफ़ी है। तो सारे वीडियो वो काम आएंगे जो मेरे पिछले पड़े हैं। दूसरा ऑनलाइन जो पेड हल्का सा पेमेंट रखी जाएगी, वो कोर्स रखते हैं, उसमें सारी इसकी एक्सरसाइज रेगुलर डेली होगी, डाउट क्लासेस लगेंगी, और आपके लिए जो एडिशनल पेपर हैं, एलिजिबिलिटी की आपकी प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है, जो बीएड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आगे चल के पेपर आप अपने पढ़ने हैं, पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता, पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, पेपर चेक कैसे होते हैं, तो ये सारी 2 साल हम इकट्ठे फिर बताएंगे, अगर आप उस कोर्स में आते हो तो। थैंक यू, और कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो।